बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश व्हिच वाज हैपेंड इन 1843। वेल, इन दिस टॉपिक वी विल कवर डिफरेंट फेजेस रिलेटिंग टू द एनेक्सेशन ऑफ सिंध। मींस इस टॉपिक में हम डिफरेंट ट्रीटीज को कवर करेंगे, इसमें हम फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ब्रिटिश ने सिंध को क्यों एनेक्स किया वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सिंध वॉज वन ऑफ द लास्ट रीजन एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। नाउ आई हैव पुट हियर some views of the scholars. So some scholars are of the view that Sir Napier ने सिंध को इस वजह से एनेक्स किया क्योंकि वो ब्रिटिश अथॉरिटीज में अपनी प्रेस्टीज को गेन करना चाहते थे। दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि सिंध जो थी वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा रिच थी, इस वजह से ब्रिटिश जो है वो उसकी नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल बनाना चाहती थी, इस वजह से इसने उन्होंने सिंध को एनेक्स किया। लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट इज दैट के सिंध जो थी वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। मींस के जो सिंध के अमीर थे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे अफगानिस्तान के साथ। सो इस वजह से ब्रिटिश क्या चाहते थे, दे वांटेड टू कंट्रोल ओवर सिंध, सो दैट दे माइट यूज दिस रीजन स्ट्रेटेजिकली टू वेज अ वॉर अगेंस्ट दी अफगानिस्तान। सो इस वजह से ब्रिटिश क्या चाहते थे, सिंध को एनेक्स करना चाहते थे। क्लियर। अब अगर आप इस मैप की तरफ गौर से देखें तो ये तकरीबन अप टू पंजाब ये सारा रीजन जो था ये ब्रिटिश ने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। अब उनका निशाना किस तरफ था, टारगेट अब ये सिंध थी। ठीक है। सो अगर आप इस मैप में गौर से देखें तो सिंध का एक साइड जो था वो राजस्थान के साथ कनेक्टेड था, जबकि दूसरा साइड गुजरात के साथ कनेक्टेड था, और तीसरे साइड से ये बलूचिस्तान के साथ कनेक्ट था इनके बॉर्डर्स। ठीक है। होता क्या है कि ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इस जगह पर अपनी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, जबकि पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ड्यूरिंग द मुग़ल एम्परर उन्होंने ऑलरेडी इस जगह पर उनको कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे। मींस टाटा के मकाम पर इन्होंने ऑलरेडी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। सो 18th सेंचुरी में क्या होता है कि इस सिंध पर कुछ बलोची चीफ्स थे जिनका ताल्लुक थलपुरा ट्राइब से था, और इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता था, अमीर ऑफ सिंध बोला जाता था। तो इन अमीर ऑफ सिंध ने यहाँ पे अपना राज कायम कर लिया था। कब, ड्यूरिंग 1783 में अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर फतेह अली खान ने यहाँ पे अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। सो मकसद मेरा बताने का ये है कि यहाँ पे मैं आपको सिंध की पहले हिस्ट्री बता रही हूँ, इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ये वर्ड मैं आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी तो आपको आगे टॉपिक समझने में आसानी होगी। Now we will discuss different treaties which was signed between the Amir of Sindh and the British. ठीक है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में जब हम पंजाब अंडर रंजीत सिंह 9th लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि जब रशिया और फ्रांस मिलकर एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली अलाइंस बनाते हैं और एक ट्रीटी इनके दरमियान साइन होती है जो कि ट्रीटी ऑफ तुलसत के नाम से थी। ठीक है, जो हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके मुताबिक क्या हुआ था कि रशिया के अलेक्जेंडर फर्स्ट और नेपोलियन जो कि फ्रांस से ताल्लुक़ रखता था उनके दरमियान ये तय हुआ था कि हम लैंड रूट के थ्रू इंडिया पर अटैक करेंगे। तो जब
ब्रिटिश को ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिंग फिंस पॉलिसी एक्टिवेट कर ली। याद है हमने लास्ट वीडियो में इसको क्लियरली डिटेल के साथ डिस्कस कर चुकी है, अगर फिर भी समझ ना आए यहाँ पे तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, तो एंग्लो रशियन रिवेलरी एंड फियर ऑफ नेपोलियन मेड द ब्रिटिश रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ सेम। जो इन दोनों के दरमियान जो प्लानिंग हुई थी उनके डर की वजह से ब्रिटिश ने क्या किया, सीम की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को महसूस किया, इस वजह से उनका इंटरेस्ट इस जगह पर बढ़ गया था। ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश इसके जवाब में क्या करता है, टू काउंटर दी रशियन एंड नेपोलियन थ्रेट क्या होता है कि लॉर्ड मिंटो निकोलस स्मिथ को सिंध भेज देता है। क्यों भेज देता है, ताकि वो अमीर ऑफ सिंध के साथ मिल बैठ कर निगोशिएशन कर सके। सो आफ्टर निगोशिएशन क्या होता है, इनके दरमियान एक ट्रीटी साइन हो जाती है एंड दैट वाज ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप 1809। ये साइन हो जाती है इनके दरमियान, ठीक है, निकोलस स्मिथ और अमीर ऑफ सिंध के दरमियान। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी में क्या था, देयर वुड बी म्यूचुअल इंटरकोर्स थ्रू इनवॉइस, कि हम म्यूचुअली जो है डीलिंग करेंगे थ्रू इनवॉइस। फिर क्या था इस ट्रीटी में, कि हम अमीर ऑफ सिंध जो है वो फ्रेंच को सिंध में सेटल होने की इजाज़त कभी भी नहीं देंगे। सो ये था इस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में जो कि 1809 में साइन हुआ था। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो जो ट्रीटी 1809 में जो फ्रेंडशिप ट्रीटी के नाम से थी वो 1820 में दोबारा से रिन्यू हुई थी। इसके बाद क्या होता है कि 1832 में जब इंडिया के न्यू गवर्नर जनरल बनते हैं कौन, विलियम बेंटिक, तो वो क्या करता है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव को, हेनरी पोटेंजर उनका नेम था, उनको सिंध में भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं, ताकि वो अमीर ऑफ हैदराबाद, खैरपुर और मीरपुर के अमीरों के साथ मुलाकात कर सके, निगोशिएशन कर सके, क्योंकि इन अमीरों की रूलिंग उस टाइम सिंध पर चल रही थी। दस उनके दरमियान क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई अमीर और ब्रिटिश के दरमियान, और वो ट्रीटी क्या थी, एंग्लो अमीर ट्रीटी ऑफ 1832। क्लियर। अब देखते हैं इस ट्रीटी में क्या था जो कि इनके दरमियान साइन हुई, वो थी कि अब फ्री पैसेज ऑफ ब्रिटिश ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर वुड बी गिवन थ्रू सिंध, देन इंडिया वुड बी यूज्ड फॉर इंडस वुड बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, नो वॉर मटीरियल वुड पास थ्रू द इंडस रिवर, नो इंग्लिश मर्चेंट वुड बी सेटल्ड इन सिंध, एंड द ट्रैवलर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव पासपोर्ट। सो ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशन वर साइंड इन एंग्लो अमीर ट्रीटी ऑफ 1832। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है इनके दरमियान। अच्छा, नेक्स्ट होता क्या है कि अर्ली 19th सेंचुरी में रशिया जो है ऑलरेडी उन्होंने पर्शिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा चुका होता है। अब ब्रिटिश को ये डर होता है कि कहीं रशिया जो है अफगानिस्तान में घुस ना जाए, सो इस डर की वजह से उन्होंने क्या किया, वो अफगानिस्तान के रूलर के साथ फ्रेंडशिप चाहते थे। सो उस टाइम जो अफगानिस्तान के रूलर थे वो थे दोस्त मोहम्मद। ब्रिटिश ने क्या किया कि दोस्त मोहम्मद के साथ निगोशिएशन करके उनके साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहते थे, बट वो नाकाम हो गए। ठीक है, क्योंकि उनके दरमियान जो बातें थी उन पर वो रजामंद नहीं हुए, इसकी वजह से इनके दरमियान फ्रेंडली अलायंस नहीं हो सकी। फिर क्या हुआ कि जब दोस्त मोहम्मद इनकी बात नहीं मानते तो वो अब चाहते थे कि दोस्त मोहम्मद को हटा दें और उनकी जगह शाह शुजा को अफगानिस्तान का रूलर बना सके, ताकि कल को ये हमारे काम आ सके। ठीक है, इससे पहले भी ये शाह शुजा अफगानिस्तान के रूलर रह चुके थे 1809 तक। क्लियर। तो ये मतलब इसको डिपोज कर दिया था और इसको शाह शुजा को ब्रिटिश पेंशन दे रहे थे।
ब्रिटिश जो है वो एक बहाना सा ढूंढ रहे थे, मींस दोस्त मोहम्मद पर अटैक करने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे थे। और यो बहाना क्या बना कि शाह शुजा को आगे कर दिया कि हम उनको रूलर बनाना चाहते। इन तीनों के दरमियान क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शाह शुजा और रणजीत सिंह के दरमियान एक अलायंस बन जाती है और इन तीनों के दरमियान एक ट्रीटी साइन हो जाती है जो कि थी ट्राइपार्टाइट ट्रीटी 1838। इसमें क्या होता है, इसमें ये साइन होता है कि हम दोस्त मोहम्मद को हटा के शाह शुजा को अफगानिस्तान का रूलर बना देंगे। इसके अलावा शाह शुजा जो है ब्रिटिश के कहने के मुताबिक क्या करेंगे, उनकी फॉरेन पॉलिसी रन करेंगे। इसके अलावा शाह शुजा को सिंध की जो वो क्लेम कर रहे थे उसको गिव अप करेंगे। ये तमाम बातें थी जो कि इस ट्रीटी में साइन हुई थी। इसके बाद क्या होता है कि ये तीनों मिलकर अफगानिस्तान के रूलर दोस्त मोहम्मद पर अटैक कर देते हैं 1838 में। यूं जो है यहाँ पर मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगी कि इस तरह इनके दरमियान 1838 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार शुरू हो जाती है 1838 में, और तकरीबन 1842 तक वो जंग जारी रहती है। क्लियर? तो अब मैं मज़ीद फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को डिस्कस नहीं करूँगी, उसको मैं अगले वीडियो में डिटेल के साथ कवर करूँगी। क्लियर? होता क्या है नेक्स्ट के 1839 में ड्यू टू द थ्रेट ऑफ सुपीरियर फोर्सेस अगेन ब्रिटिश को अमीर ऑफ सिंध के साथ एक और ट्रीटी साइन करनी पड़ी। वो ट्रीटी क्या थी, सब्सिडरी ट्रीटी। क्लियर? इस ट्रीटी के मुताबिक ब्रिटिश फोर्सेस को सिंध में अलाउ कर दिया गया, उनको दो जगह पर परमिशन मिल गई, एक सक्करपुर और दूसरा बक्कर। इसके अलावा अमीर ऑफ सिंध को 3 लाख रुपीस भी इनको अदा करने पड़ते थे, किस लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। इसके बाद होता क्या है कि 1842 में जब लॉर्ड ऑकलैंड चले जाते हैं, उनकी जगह लॉर्ड एलन ब्रो इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो लॉर्ड एलन ब्रो क्या करते हैं कि वो ऑट्रिम को सिंध में अगेन भेजते हैं और इनके साथ एक न्यू ट्रीटी साइन करते हैं। वो ट्रीटी क्या थी, ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा डिसिसिव थी, मींस के लॉर्ड एलन ब्रो जो है अमीर ऑफ सिंध को कहते हैं कि आपको सिंध जो है वो गिव अप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्ट में ब्रिटिश फोर्सेस के साथ मिसबिहेवियर की है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि अमीर ऑफ हैदराबाद, खैरपुर और मीरपुर के जो अमीर थे वो रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं, रिबिलियन स्टार्ट करते हैं। तो जवाब में 1843 में लॉर्ड एलनब्रो अंडर दी चार्ल्स जेम्स नेपियर के साथ फोर्सेस भेजते हैं टू पुट डाउन दी रिबिलियन ऑफ द अमीर बाय कैप्चरिंग द सिंध। तो आके ब्रिटिश फोर्सेस अंडर चार्ल्स नेपियर वो अमीर ऑफ हैदराबाद, खेरपुर और मीरपुर को बैटल ऑफ मियानी में डिफीट कर देते हैं, और यूं जो है ब्रिटिश फाइनली 1843 में सिंध को भी एनेक्स कर देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दी एनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश विच वॉज हैपन्ड इन 1843। If you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching a video. Allah Hafiz.